हेलो गाइस, सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू चैप्टर द एनिमी फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो। सदाओ स्लेप्ट बैडली एट नाइट दैट नाइट। सदाओ उस रात को बुरे तरीके से सोए या सदाओ को अच्छी नींद नहीं आई उस रात। टाइम एंड टाइम अगेन, टाइम टाइम के बाद ही वॉक, वो जागते रहे थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप। वो ऐसा सोच रहे थे कि उन्होंने कोई फुटस्टेप की रसलिंग सुनी, यानी जो सरसराहट होती है पाँव की, रसलिंग होती है, रबिंग ऑफ नी, जो पाँव के नीचे कोई पत्तियाँ वगैरह आ जाती हैं तो जो आवाज़ होती है पत्तियों के दबने की, रसलिंग होती है वो, रबिंग ऑफ लीव्स। तो उन्हें पत्तियों के दबने की आवाज़ आ रही थी, यानी जो गार्डन में पत्तियों पर किसी ने पाँव रखा हो, जो लीव्स होती हैं। द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन, उन्हें टहनी के टूटने की, ट्विग ब्रोक मीन्स ब्रांच होता है, जो कोई पेड़ की ब्रांच, शाखा या टहनी होती है। द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन। स्टोन डिस्प्ले मीन्स स्टोन रिमूव करना या किसी ने पत्थर निकाला हो। ए नॉइज सच एज मैन माइट मेक वो कैरिड ए बर्डन, और इस टाइप का साउंड या नॉइज जब किसी आदमी ने कोई बोझा उठा रखा हो। तो ये सब जो साउंड से, यानी जो पत्तियों के दबने की सरसराहट की आवाज़, पाँव के नीचे पत्तियाँ आ रही हैं, और किसी टहनी के या ब्रांच के टूटने की आवाज़, और स्टोन को रिमूव करने के गार्डन में से, यानी कोई स्टोन डिस्प्लेस किया गया है या फिर कोई आदमी बोझा उठा रहा है, इस टाइप की जो आवाज़ थी वो सदाओ को रात बराती रही, जिससे वो ढंग से सो नहीं पाए। क्योंकि जो जनरल थे उन्होंने कहा था कि वो अपने असैसिन्स भेजेंगे, यानी जो किलर्स हैं वो भेजेंगे, जो अमेरिकन को मार भी देंगे और उसकी जो डेड बॉडी है उसको भी रिमूव कर देंगे वहाँ से, यानी ठिकाने लगा देंगे। तो उनको जो आवाज़ आ रही थी कोई बोझा उठाने की, तो वो सोच रहे थे कि जो असैसिन्स हैं वो अमेरिकन की डेड बॉडी को उठा के ले जा रहे हैं इस टाइप से। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने एक्सक्यूज ली या उन्होंने बहाना किया सबसे पहले गेस्ट रूम में जाने के लिए। इफ द अमेरिकन वर गोन ही देन कोड सिंपली टेल हना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। इफ द अमेरिकन वर गोन, अगर अमेरिकन जा चुका होगा, वो ऐसा सोच रहे थे, ही देन कोड सिंपली टेल हना, कि वो फिर सिंपली या आराम से हना को बता सकते हैं, दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, जैसे भी जनरल ने डायरेक्ट किया था या जनरल ने जो भी इशारा दिया था। बट वैन ही ओपन द डोर, पर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, ही सा एट वंस, उन्होंने एक बार में देखा या अचानक से देखा, दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द शैगी ब्लॉन्ड हेड। उन्होंने देखा कि जो बिस्तर था उसके पिलो पर वो शैगी ब्लॉन्ड हेयर था। शैगी होता है जो काफ़ी खुरदरा हो, रफ, ब्लॉन्ड हेयर जो पीले कलर के, गोल्डन कलर के उसका बाल थे, तो उन्हें वो अमेरिकन के बाल दिखे वहाँ पे, उसका असर था पिलो पे, तो वो वहीं पे था। ही कुड हियर एंड पीसफुली ब्रीथिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। तो वो जो अमेरिकन की पीसफुल ब्रीथिंग थी सोने की, यानी सोते समय जो सांस लेने की आवाज़ होती है, ब्रीथिंग का साउंड होता है जो, वो उन्हें सुनाई दे रहा था अमेरिकन का। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उन्होंने धीरे से दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया वापस। ही इज़ अ स्लीप, ही टोल्ड हना, उन्होंने हना से कहा कि वो सो रहा है अभी। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, वो इस तरीके से सो रहा है कि अच्छा हो गया है, या इस तरीके से तो तभी वो सो सकता है जब वो ठीक हो गया हो। वॉट शैल वी डू विद हिम, कि हम उसके साथ क्या करेंगे। हना विस्पर्ड हर ओल्ड फ्रेंड, हना जो बार बार ये सवाल पूछती रहती है, ओल्ड फ्रेंड मीन्स होता है एक ही बात को रिपीट करते रहना लगातार, फ्रिक्वेंट वर्ड्स अगेन, बार बार जो एक फ्रेज रिपीट करती है, तो हना है जो वो हर बार पूछती रहती है कि उसका क्या करेंगे हम, उसका क्या करेंगे। सो ये एक और रिफ्रेन का है इसको। वाट शैल वी डू विद हिम, हना विस्पर्ड, हना ने कहा कि हम उसका क्या करेंगे। सदाओ शुक हर हिज हेड, सदाओ ने अपना सर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, कि मैं एक दो दिन में इसका डिसाइड कर लूँगा। ही प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रोमिस किया, वादा किया। बट सर्टेनली ही थॉट, पर उन्होंने सोचा निश्चित रूप से, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि जो दूसरी रात है, यानी जो एक रात तो निकल गई है अभी, अब द सेकेंड नाइट मस्ट बी द राइट, कि दूसरी रात होगी जब काम हो जाएगा, या जो सेकेंड नाइट है वही वो रात होगी जब वो सेशंस आएंगे। देयर रोज ए विंड दैट नाइट, उस रात काफ़ी तेज़ी से हवा चल रही थी। एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बॉग्स, बॉग्स मीन्स ब्रांच होती है, जो पेड़ों की शाखाएँ होती हैं, जो ब्रांचेज होती हैं। एंड विस्लिंग पार्टीशन, तो उस रात काफ़ी तेज़ हवा चली। एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बॉग, उनको टहनियों के हवा में हिलने की, या ब्रांच के जो पेड़ आवाज़ करता है जब तेज़ हवा चलती है, तो ट्री की जो भी आवाज़ होती है
शाखाएं हिलने की, ब्रांचेज हिलने की, वो सब आवाज़ें उन्हें आ रही थी। एंड विस्लिंग पार्टीशन, और जो पार्टीशन थे यानी जो दरवाजे थे जो गार्डन की तरफ खुलते थे कमरों के, वो भी विसल कर रहे थे, यानी काफ़ी हल्के दरवाजे थे तो वो आवाज़ कर रहे थे। हना वॉक टू, हना थी वो भी जाग गई। ऑट वी नॉट गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, शी आस्क्ड। तो हना ने कहा कि क्या हमें जो सिक मैन है यानी जो अमेरिकन है जाकर उसका दरवाज़ा नहीं बंद कर देना चाहिए, उसने पूछा, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और उससे सिक मैन को प्रॉब्लम हो सकती थी। नो, सदाव सेड, सदाव ने कहा नहीं, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वो अब काफ़ी ठीक है, या वो अब ऐसा करने में खुद ही समर्थ है, यानी वो कैपेबल है ये करने में, दरवाज़ा बंद करने में। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, पर अगली सुबह अमेरिकन वहीं पे था दोबारा। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स माइट बी द नाइट, तो फिर सदाव ने सोचा कि हो सकता है तीसरी रात हो जब असैसिन्स आए, या जो तीसरी रात होगी वही, द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, कि जो वो तीसरी रात होगी वही रात होगी इस काम के लिए। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, जो बारिश थी, जो हवा थी वो बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स, और जो गार्डन था उसमें साउंड आ रहा था ड्रिपिंग ईव्स, ईव्स होते हैं जो छज्जे होते हैं, ओवर हैंगिंग एजेज ऑफ रूफ, जो छत से छज्जे आगे निकले होते हैं वहाँ से पानी जब गिरता है, ड्रिपिंग मतलब फॉलिंग इन ड्रॉप्स, जब ड्रॉप्स में पानी गिरता है छज्जों पर से, तो ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, तो ये पानी गिर रहा था छज्जों पर से और पानी बह रहा था बिल्कुल। सदाओ स्लैप्ट ए लिटिल बेटर, सदाओ कुछ अच्छा सोई इस बार, या उनको अच्छी नींद आई थोड़ी। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश, पर वो एक क्रैश के साउंड के साथ में वापस जाग गए, या उन्हें कुछ सुनाई दिया, कुछ टूटने का या कुछ क्रैश होने का। एंड लिप्ट टू हिज फिट, और वो एकदम से अपने पाँव पे खड़े हो गए, लिप्ट मीन्स क्विकली, वो क्विकली अपने पाँव पे खड़े हो गए। वट वॉज दैट, हना क्राइड, हना चिल्लाई कि क्या हुआ, वट वॉज दैट, वो क्या था। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगन टू वेल, जो बेबी था वो जाग गया, जो छोटा बच्चा था वो जाग गया एट हर वॉइस, हना की आवाज़ सुन के। एंड बिगन टू वेल, और उसने क्राई करना, रोना शुरू कर दिया, वेल होता है क्राई करना या रोना। आई मस्ट गो एंड सी, जो हना थी वो कह रही थी आई मस्ट गो एंड सी, कि मैं जाता हूँ और जाती हूँ और देखती हूँ एकदम से। बट ही हेल्ड हर, पर जो सदाओ थे उन्होंने हना को पकड़ लिया या हना का होल्ड कर लिया, उसे जाने नहीं दिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसे बिल्कुल भी मूव नहीं करने दिया, तो सदाओ ने हना को बाहर नहीं जाने दिया और उसे मूव नहीं करने दिया। सदाओ शी क्राइड्स, हना थी वो चिल्लाई, वो क्राई की उसने, सदाओ सदाओ बोल के, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि तुम्हारे साथ क्या मामला है या क्या मैटर है तुम्हारा। डोंट गो ही मटर, डोंट गो, तो जो सदाओ थे वो धीरे से बोले कि मत जाओ, डोंट गो, डोंट गो, बाहर मत जाओ। हिज टेरर इन्फ्लिक्टेड हर, तो जो सदाओ का टेरर था यानी जो डर था, क्योंकि सदाओ ये सोच रहे थे कि जो असैसिन्स है, जो किलर्स हैं वो आ गए हैं, तो उनका ये डर था, हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उससे हना भी इन्फेक्टेड हो गई, यानी हना को भी डर लगने लग गया। हिज टेरर इन्फेक्टेड है, एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, और वो ब्रीथलेसली खड़ी रही, यानी बिना सांस लिए, सांस रोके हुए वहीं खड़ी रही, वेटिंग, वेट करते हुए। देर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ केवल साइलेंस थी, यानी बिल्कुल शांति थी एकदम। टुगेदर दे क्रिप्ट बैक इन टू द बेड, एक साथ में वो रेंगते हुए या बिल्कुल धीरे धीरे मूव करते हुए बेड में चले गए, इन टू द बेड। द बेबी बिटवीन दैम, उनके बीच में बेबी था, छोटा बच्चा था उनके बीच में, तो वापस धीरे धीरे रेंगते हुए, क्योंकि वो अचानक से जब शोर हुआ था तो वो खड़े हो गए थे चारपाई से, अचानक लिफ्ट ओवर करके, यानी क्विकली, हना भी थी वो जाग गई थी, तो वापस वो टुगेदर दे क्रैप्ट बैक इनटू द बेड। क्रैप्ट होता है रेंगना या मूविंग स्लोली क्वाइटली, एकदम चुपचाप धीरे धीरे चलना या रेंगना, मूव करना। तो वो वापस बेड में चले गए। द बेबी बिटवीन दैम, उनके बीच में बेबी था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, और अब भी जब उन्होंने दरवाज़ा खोला सुबह गेस्ट रूम का, देर वॉज द यंग मैन, वहाँ पे यंग मैन खड़ा था अमेरिकन। ही वॉज़ वेरी गे, गे मीन्स होता है हैप्पी, काफ़ी खुश। सो ही वॉज़ वेरी गे, वो काफ़ी खुश था। एंड हैड ऑलरेडी वाश्ड, और वो ऑलरेडी वाश हो चुका था, यानी नहा लिया था वो। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फिट, और वो अपने पाँव पे खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे, उसने कल एक रेजर मांगा था, कल उसने कल एक रेजर मांगा हुआ था। एंड हैज शेव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को शेव कर लिया था, उसने दाढ़ी बना ली थी अपनी।
एंड टुडे देर वॉज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज उसका जो चीक्स थे, उसके जो गाल थे, उन पे हल्का कलर था, हल्का रंग था उसके पे। आई एम वेल, ही सैड जॉयसली, उसने काफ़ी खुशी से, काफ़ी उत्साह के साथ में कहा कि मैं अब अच्छा हूँ। सदाओ ड्रू हिज कमीनो अराउंड हिज वीरी बॉडी, सदाओ ने अपना कमीनो था, यानी जो जैपनीज ड्रेस होती है जेंट्स की, सो सदाओ ड्रू हिज कमीनो अराउंड हिज वीरी बॉडी। वीरी बॉडी है जो टायर्ड बॉडी होती है, काफ़ी थकी हुई बॉडी होती है, क्योंकि वो कमज़ोर तो था, क्योंकि वो घायल था, तो रिकवर तो हो गया था, अच्छा हो गया था थोड़ा, पर वो उसकी बॉडी थी वो अभी वीक थी, कमज़ोर थी, वीरी थी उसकी बॉडी, यानी टायर्ड थी, थका हुआ था वो। सो सदाओ ड्रू हिज कमीनो अराउंड हिज वीरी बॉडी। सदाओ ने अपना जो कमीनो था, जो एक कंबल टाइप का, एक कोट टाइप का होता है, वुलन कोट, वो सदाओ ने उसको पहना दिया, उसकी वीरी बॉडी थी, जो कमज़ोर बॉडी थी, उस पर पहना दिया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अदर नाइट, ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, उन्होंने अचानक से डिसाइड किया कि ही कोट कि वो ऐसा नहीं कर सकते, गो थ्रू अनदर नाइट, एक रात और जाने देना चाहिए। इट वॉज नॉट दैट ही केयर फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, ऐसा नहीं था कि उन्हें उन्हें ही इट वॉज नॉट दैट ही केयर फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, ऐसा नहीं था कि उन्हें इस यंग मैन की, यानी यंग अमेरिकन की लाइफ की कोई फिक्र थी या कोई केयर थी। नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, ये कोई टेंशन लेने मतलब नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, ये टेंशन के कोई काबिल नहीं था, या इसकी कोई कीमत नहीं थी कि इसके लिए टेंशन ली जाए, इस यंग मैन के लिए। यू वेरी वेल, यू आर वेल, सदाओ एग्रीड, सदाओ भी इस बात से एग्री करके सहमत हुए कि तुम अच्छे हो गए हो, तुम ठीक हो गए हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, तो उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि तुम इतने ठीक हो गए हो कि आई थिंक, कि मैं सोच रहा हूँ कि इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, कि अगर मैं आज रात को किनारे पर अपनी बोट लगा दूँ विद द फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, मतलब खाने के साथ में और कुछ एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ में, उस बोट के अंदर रख दूँ, इन इट यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आईलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तो तुम इसको रो मीन्स होता है जो चप्पू चला के जाना, जो मूविंग ए बोट थ्रो ओर्स, जो चप्पू चला चला के हाथ से चलाने वाली बोट होती है, जो नाव होती है। सो सदाओ ने कहा कि यू आर सो वेल, कि तुम इतने ठीक हो गए हो, दैट आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ कि इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, कि आज रात अगर मैं किनारे पर अपनी बोट लगा दूँ विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, और उसके अंदर खाना रख दूँ और उसमें एक्स्ट्रा कपड़े रख दूँ, कुछ कंबल वगैरह, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट, तो तुम उसको चप्पू चला के या उसको हाथ से खे कर, हाथ से उस बोट को चला के, टू दैट लिटिल आईलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तुम जो छोटा सा आईलैंड है जो कि कोस्ट के, यानी कि जो जो तट है, जो किनारा है, उससे ज़्यादा दूर नहीं, वो छोटा सा आइलैंड है जो उसके पास में ही, लिटिल आइलैंड, वहाँ तक तुम जा सकते हो नाव को चला के। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, फोर्टिफाइंग होता है सिक्योरिटी लगाना या कोई सिक्योर करना या किलाबंदी घेराबंदी करना उसकी, मतलब कोई सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे कोई आदमी रखना। सो इट इज़ सो नियर द कोस्ट, वो कोस्ट के इतना पास में था दैट इट इज़ इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि उस पर सिक्योरिटी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी उस आइलैंड पे। नो बडी लिव्स ऑन इट, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड होता है जब वो पानी में डूब जाए, ड्राउंड इन वाटर, तो वो आइलैंड है वो पानी में डूब जाता है। नो बडी लिव्स ऑन इट, उस पर कोई भी नहीं रहता है, बिकॉज इन स्टॉर्म, क्योंकि जब तूफान आता है, इट इज़ सबमर्ज्ड, तो वो पानी में डूब जाता है वो आइलैंड। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, पर ये जो सीज़न है, यानी ये जो मौसम है, ये तूफान आने का मौसम नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ ए कोरियन फिशिंग बोट, तुम वहाँ तब तक जिंदा रह सकते हो जब तक कि तुम एक कोरियन फिशिंग बोट है उसको ना देख लो, बोट पास बाय, नज़दीक से जाते हुए। तो सदाओ ने कहा कि यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, कि तुम वहाँ पर तब तक जिंदा रह सकते हो जब तक वहाँ से कोई कोरियन फिशिंग बोट निकले। दे पास क्वाइट नियर द आईलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर, फैथम्स होता है जो एक यूनिट है जो पानी की गहराई को मापने की, यानी वाटर कितना डीप है, इसको जो माप करने के ही, उसकी जो मेजरिंग यूनिट है वाटर को मेजर करने की, उसकी जो डीपनेस या उसकी गहराई को, तो उसको फैथम कहते हैं। सो दे पास क्वाइट नियर द आईलैंड, तो वो जो कोरियन फिशिंग बोट है वो आईलैंड के काफ़ी पास से निकल जाती हैं, या काफ़ी पास से निकलती हैं, बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम डीप देयर, क्योंकि पानी वहाँ पे काफ़ी गहरा है, तो वहाँ पे फिशिंग होती है। द यंग मैन स्टेड एट हिम,
यंग मैन ने अमेरिकन ने उनकी तरफ देखा या स्टेयर किया। स्लोली कम्प्रहेंडिंग डू आई हैव टू ही आस्क, तो समझते हुए, कम्प्रहेंडिंग होता है अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए। तो धीरे धीरे उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हुए, सदाओ की बात को, उसने कहा कि डू आई हैव टू ही आस्क, कि क्या मुझे जाना होगा यहाँ से या मुझे ये करना होगा। ही आस्क, उसने पूछा। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ, सदाओ सैड जेंटली। तो सदाओ ने प्यार से या जेंटली कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये करना होगा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, कि ये बात छिपी नहीं है कि तुम यहीं पे हो या तुम यहाँ रह रहे हो, ये बात कोई छिपी नहीं है। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कम्प्रहेंशन। ओके, ही सैड सिंपली। कम्प्रहेंशन होता है अंडरस्टैंड करते हुए, अंडरस्टैंडिंग में, जैसे कम्प्रहेंड या कम्प्रहेंशन। नोडेड मीन्स शुक हैड, या सर को हिलाना। द यंग मैन नोडेड, तो यंग मैन ने सर को हिलाया आपने, इन परफेक्ट कम्प्रहेंशन, यानी परफेक्टली अंडरस्टैंड करते हुए या समझते हुए बात को। ओके, ही सैड सिंपली, उसने कहा ओके, ठीक है। तो सदाओ ने उस यंग अमेरिकन से कहा कि तुम, मैं अगर अगर मैं तुम इतने ठीक हो गए हो, या तुम काफ़ी ठीक हो गए हो, तो अब तुम इतने ठीक हो गए हो कि अगर मैं किनारे पर नाव ले जा के रख दूँ अपनी, और उसमें कुछ कपड़े और खाना वगैरह डाल दूँ, खाना पानी जो भी है तुम्हारा कुछ दिन का, जिससे चल जाए राशन पानी, तो तुम उस बोट को चला के, यानी चप्पू चला के, जो हाथ से चलाने वाली बोट होती है उसको चला के तुम एक आइलैंड पर ले जा सकते हो। वो आइलैंड ज़्यादा दूर नहीं है किनारे से, और उस पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, और वहाँ से कोई कोरियन बोट निकलती है तो तुम उसकी हेल्प से एस्केप कर सकते हो, यानी भाग सकते हो। तो यंग मैन है वो पूछ रहा है कि क्या मुझे ये करना होगा या मुझे यहाँ से जाना होगा। तो सदाओ कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि ये बात छिपी नहीं है कि तुम यहाँ पे हो, ये बात अब हिडन नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।